जो मतलब रिफॉर्म के हवाले से जो कुछ भी आज तक हुआ है बिल्कुल हम मुतमईन हैं, लेकिन अफसोस के साथ उसमें मेन रिकॉर्ड यह है कि PMLN ने ख़ुद कमेटी बनाई, ख़ुद उसका नोटिफिकेशन किया, बाकायदा कमेटी ने पूरी फाटक के विजिट्स की है, फिर उसके बाद वही उसी कमेटी ने बाकायदा उसको कौमी असम्बली में टेबल किया, फिर उसके बाद सीनेट में चला गया, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैबिनेट से अप्रूव हुआ, और बदकिस्मती से आज तक वो मतलब है कि उसको डिले कर रहे हैं, और उसमें तो यह है कि उसमें कुछ भी नहीं रहा, उसमें सब कुछ है उस कमेटी की रिपोर्ट में। अभी उसमें मेन रकावट जो है ना वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये फाटा रिफॉर्म्स हो, क्योंकि उसने हमारे साथ दो तीन दफ़ा वादी की हैं कि मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जल्दी होगा, लेकिन आज कहते हैं कि आने वाले सेशन में मतलब है कि हम पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंड करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब NFC को, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब लोकल बॉडीज़ को, ये लेकिन सब मतलब धोखे कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक उसमें मेन रकावट जो है ना उसमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खाकान अब्बासी साहब है, जो उसको मतलब है कि उस पर जो प्रेशर डाल रहे हैं उसमें सरदार मेहताब अब्बासी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तजा जावेद अब्बासी, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, जिस तरह सेल्फिश लोग हज़ारा के हैं उस तरह मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में उनका PMLN का यही सोच है कि जो हज़ारा तहरीक जो उन्होंने स्टार्ट किया है कि उसको ठेस पहुंचेगा, और दूसरी बात यह है कि वो नहीं चाहते कि ये कबाइल जो है ना ये मेन स्ट्रीम में आ जाए और मतलब अंधेरों से निकल के रोशनी में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि कोई ये कहेंगे कि मौलाना फजल रहमान रकावट है, चकजी रकावट है, सबसे बड़ी रकावट जो है ना वो PMLN खुद है।